पत्र लिख रहा है। चंदेली के रहने वाले महाराज शिषपाल पूर्व साले साहब वर्तमान में जीजा जी, सुनिए। अरे स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी के तपदारी, और इसने क्या लिखा पत्र में, आरी और कछु मेरे पास नहीं जीजा पास नहीं, एक पहना दे रहे शरण तुम्हारी, इसने पत्र लिखा नीचे लिख दिया कि हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में तय कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा बन के आना तो होश में आना, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ वो द्वारिका का कन्हैया भी आएगा, और कन्हैया आएगा तो लड़ाई तो पक्का होनी है, इसलिए होश में आना और दूल्हा बन के आना और सेना लेके आना। नाई और पंडित के द्वारा जैसे ही वो पत्र भेजा, वो पत्र जाकर के शिषपाल को मिला। शिषपाल ने पत्र को खोल करके पढ़ा, उसमें लिखा था कि आदरणीय बहनोई साहब, हम अपनी बहन का विवाह रुक्मणी का विवाह तुमसे कर रहे हैं और फलानी तारीख को बारात लेके कुंदनपुर में आ जाना। भैया उसने रुक्मणी का नाम सुना, गद्दी से उछल पड़ा, रुक्मणी वो तो बहुत सुंदर है, अब कुछ भी हो जाए, हेलो चाहे गोली चल जाए, शादी वही करेंगे। अब जो ये विचार बनाया, अब वहां से ये चला अपनी भाभी के पास में आया, आवाज लगाई, भाभी ओ भौजी, भाभी दीवार, अच्छा अच्छा ये फूंकना बंद कर दो, चूल्हा हमको बना दो दूल्हा, ब्याह ले ओ, तू ऐसी ऐसी क्या करत कसूंगा करता है ये कुछ ऐसे, दूल्हा बनाए ले आओ दूल्हा, अरे हमको बनाओ, शादी करनी है रुक्मणी से, आओ आओ। हाँ भाभी बोली जय बता, ना कहूं से लगु नाई, ना कहूं से टीका, उच्चो खटा जे इस मुंह ले कहां जा रहे हो, बोला भाभी खींसी बगार रही, पहले बात सुन ले, वो जो हमारे बहनोई साहब है ना कुंदनपुर वाले, हाँ हाँ, अरे वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हमसे कर रहे हैं, और रुक्मणी इतनी सुंदर है ना, दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंधेरे में बिठा दो दूर से ही चमक जाएगी, इतनी सुंदर है। हाँ अरे तुम बातें छोड़ो, दूल्हा बनाओ। तो भाभी बोली क्या आया है, बोले पत्र आया, बोले ला हमको भी दिखाओ। भाभी ने पत्र खोल करके पढ़ा, बोले क्यों ला ला, ये नीचे वाली लाइन तुमने पढ़ी है, बोले कहाँ, ये तो नहीं हमने पढ़ी, पढ़ो क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि होश में आना, वो कन्हैया भी आएगा, और जो कन्हैया का नाम सुना तो शिषपाल का कलेजा दबने लगा, बोला कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी, होगी बिल्कुल होगी, कैसे होगी, अरे मैं लड़ी के पाई भगाऊंगा और रुक मीडी संग भावरी डालूंगा, मैं लड़ी के भाई भगाऊंगा और रुक मीडी संग भावरी डालूंगा, उसने जवाब दिया चाहे कन्हैया आए चाहे कोई भी आए शादी होगी। अरे जिंदगी में पहली बार इतना बढ़िया मौका आया, रुक्मणी को जाने देंगे चाहे कुछ भी हो, रुक्मणी को नहीं जाने दूंगा। अब भैया दूल्हा बनाओ, भाभी तुम दूल्हा बनाओ, और सुनो अकेले ने रन्नो की अम्मा सन्नो की अम्मा सबका टेला, हाँ हाँ, और लाली वल्लिका का लिपर सिटी, हाँ लिटपिस लिपस्टिक, हाँ ये ले आओ और हमको दूल्हा बनाओ। बनो बनाओ रेडीमेड, दिन में लगाए तो लाली लिपटिस, अरे यार हाँ ये सब लगा के आया था अगला।
अनुभवी खिलाड़ी है। चलो भाभी हमें सजाओ। ऐसे ही सजाओगी और सबको टेल लाओ। कोई है नहीं तुम्हारी सहेली? कहाँ गई सहेली है तुम्हारी? और सहेली कहाँ है? अच्छा तो इनको बुलाओ हमें सजाओ। पूर्वशी रोटेला इंदिरा चला जल्दी सजा के मुझे। हाँ अब देखो भैया जब ये दूल्हा बनाने लगी तो बुरे बुरे असगुन होने लगे। अब कैसे कैसे असगुन होने लगे बताया। जाने धरो पटा पर पावरे तो छींक हुई गई भारी। शिशुपाल दूल्हा बन रो रे बिलैया रोई कारी। शिशुपाल ने पटा पे पैर रखा छींक होने लगे। बैठने लगे पटा से पैर फिसल गया शिशुपाल जमीन पर गिर गए। बिलैया रो रही है महाराज बिलैया घर में रो रही है और लख के ऐसी दशा तुरत भाभी चिल्लाए गई है। क्या बोली घर में मेरे दिवर को ब्याह अभागिनी काहे को रो रही है। घर में मेरे लला को ब्याह रखनी काहे को रो रही है। बिलैया रोने लगी तो भाभी चिल्लाने लगी बिल्ली के ऊपर अभागिन रो रही है मेरे लड़का का ब्याह है मेरे देवर की शादी और तू रो रो करके असगुन कर रही है। तो भाभी को लगा बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। तो भाभी ने जब उसको दूल्हा बना दिया तो बोली देखो लाला एक नारी है और दूल्हा है दो लड़ाई तो पक्की है इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कन्हैया के बारे में हम भी जानते हैं वो मारता है तो रोने नहीं देता है ध्यान रखना इसलिए जाना और पेश ना पड़े तो भागे आना ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। शिशुपाल चला उसने अपने साथियों से पूछा क्यों रे कैसे लग रहे हैं कोई कमी तो नहीं है कोई कमी नहीं मेकअप में देखो ठीक लग रहे हैं इनसे पूछो हेलो भैया कैसे लग रहे हैं ठीक है हाँ बढ़िया बढ़िया सब अच्छे हैं सब बढ़िया है हाँ बढ़िया है काबिल ये जिला के 10-12 स्प्रिंग लगी है शरीर में डिंचक करो कराता है। हेलो तिलक और चंदन वगैरह और काजल सब लगा है बढ़िया बढ़िया लगा इसको यार ले चलो यार दिल लगा रहेगा इससे। हाँ जितनी थकावट होगी ये सब उतार दिया करेगा। अब क्यों तुमने कृष्ण जन्म वाले दिन हमसे कहा था कि तुमको जलेबी देंगे कहाँ है जलेबी काल खवा देंगे कल हम घर चले जाएंगे अपने नहीं तो हवन ये कराएंगे ये ही पड़ोसी इनकी रिश्तेदारी टिके रहेंगे इनको क्या है हम अपने घर जाएंगे का है? बताओ जलेबी वाला क्या बात है फिर सोचो तुम सोच लो टाइम है तुम्हारे पास है अच्छा है जहां तक लेबे लेकिन हम लेबे अच्छा लेकिन हेलो लाओगे कब सवेरे कितने बजे तुम लोग यार चुप रहो करो यार हाँ ये देखो उसको खुद नहीं पसंद है तुम लोग बोलते हो हाँ तुम बताओ कितने बजे लाओगे जलेबी तो इतना सोच रहे कि क्या जो हम लाएंगे इलाहाबाद से आएंगे क्या जलेबी चलो हमारी तुम्हारी जलेबी तुम्हारे ऊपर उधार है और इसी बहाने हमारी तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी मोबाइल लगते हो
और नंबर उसमें लिखा है। मोबाइल लगते हो कि नहीं रखते? नंबर ले लेना हमारा, ठीक है? बात करते रहना, यहाँ आस पास होगा तुमको बुलाएंगे, आ जाओगे। का तुम्हारा भरोसा का वो ऑटो हो वाले कूटन लागो। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। इधर माताओं शिशुपाल दूल्हा बना, और शिशुपाल ने दूल्हा बनने के बाद में क्या किया, अपनी मौसी के लड़का दंतवक्र की सेना को सजाया। और सेना को सजाने के बाद में कौरवपति दुर्योधन को भी साथ में लिया। बोले चलो भैया आज तुम्हारी जरूरत है, हमें सुना है कन्हैया वहां दूल्हा बन के आएगा, और आप भी हमारे साथ में चलिए। मौसी के लड़का दंतवक्र को सजाया। हरजीतो किसको सजाया? किसको माइक बोलो? दंतवक्र का नाम लो। ना 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 उसकी छोड़ो। इससे कहो दंतवक्र, तो दंतवक्र मंडल में एक को नहीं कही पार। तुम कहा बड़ी और बड़ी बात बताई इसने है? क्यों मामा? हेलो मैं की ब्रांड का दंतवक्र। चल पड़ा। बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं लेकिन ये डरा नहीं, और सेना को सजा करके चला कहां के लिए? कुंदनपुर के लिए। और क्या किया इसने? अरे चल दई फौजे आज सब ही की, कुंदनपुर की सीध लगाए, तेग चलैया हाथी सज गए, कंबर झूली रही थी तलवारी, ए शंख बजाई दो रणभूमि में, कलेजा तहली तहली रही जाए, सबरे सैनिक मन में सोचे, बजी है काऊ घाट तलवारी, ये चली परायत चमेली से, कुंदनपुर की सीध लगा है, अरे असगुन लखी के छाती फटी गई, दिल में कुया बे एक जाई, चली बारात चंदेली से, बारात चली है। शिशुपाल ने मौसी के लड़का दंतवक्र को साथ में लिया, और साथ में लेने के बाद में श्रोताओं जैसी बारात आगे बढ़ी, इस नालायक ने जाकर के पूरी कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे भैया कुंदनपुर को घेरा, आज महाराज भीष्मक को मालूम पड़ा कि हमारे लड़के का साला आ गया, तो ध्यान रखना उल्टा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही जमीन पर गिरे हैं तो क्या हुआ? कमीने तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ये क्या किया? समाज में क्या असर पड़ेगा कि अपनी बहन की शादी साले से कर रहा है? कोई बात नहीं, तेरे बिना इसका समय है, तो खुद लाइन पर आ जाएगा। वाजी वाह, अगर रुकमणी को मालूम पड़ा कि हमारे भैया के साले ने आकर के पूरे नगर को घेर लिया है, कमरा बंद करके रोने लगी। दीन नहितकारी श्याम, कन्हैया तुम कहाँ पे तेर लगाई, कन्हैया
दीन नहीं तकारी गिर धारी रे कन्हैया तुम कहां पे देरा लगाई रे मेरो भैया करिया नागु बनो मजबूर भई भो जाई रे और सुनो कन्हैया हरी पाला पन से गिरधारी मैंने तेरी आस लगाई रे मेरो भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लो आई रे रुकमणी दरवाजा बंद करके रोने लगी एकदम क्या हुआ।